आज मूवी स्ट्राइप की पिटारे से मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कोरियन थ्रिलर मूवी जिसमें थ्रिल के साथ साथ इमोशंस भी है, जो आपकी आंखों को बहुत नहीं भी तो थोड़ी नम कर ही देगी। 2016 की साउथ कोरियन मूवी, डायरेक्टर योन हाइली, आईएमडीबी 6.5। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि कहानी के प्लॉट्स थोड़े पेचीदे हैं और ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपको रोमांच से भर देगा। दोस्तों, कहानियां सुनना आप इंजॉय करते हैं, पसंद आती है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि और भी आपके जैसे लोग हमसे जुड़ पाए जिन्हें दिल से कहानियां सुनना पसंद है। इसी के साथ मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। एमिली नाम की एक महिला जिसका कुछ वक्त पहले ही अपने पति से तलाक हुआ है, वो अपनी एक साल की बेटी दायून के साथ अलग रहती है। एमिली एक वर्कहोलिक महिला है, ऑफिस के काम के साथ साथ बेटी को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी मुश्किल से निकलने के लिए उसने एक नैनी रख ली जिसका नाम मे है। महीने भर उसे यहाँ काम करते हुए हो चुके हैं। एमिली उसे उसकी तनख्वाह देकर ऑफिस के लिए निकल गई। रात में देरी से काम से लौटने के बाद वो सोफे में ही लेट गई और थकान से ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अब अगले दिन उसकी नींद खुली तो उसे मे और दायून घर में कहीं नहीं दिखाई दिए। उसे लगा कि वो दायून को लेकर पास के ही पार्क में घूमने गई होगी। फिर वो तैयार होकर किसी मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस के लिए निकल गई। दायून भले ही अभी एमिली के साथ है, लेकिन उसकी कस्टडी को लेकर उसके पति के साथ उसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। एमिली चाहती है दायून उसके साथ रहे, मगर उसकी सास दायून को अपने पास रखना चाहती है और उसके पति को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। एमिली इन्हीं सभी बातों से बहुत परेशान रहती। अब वो रात को घर वापिस आई तो देखा अभी भी दायून और मेक घर नहीं लौटे हैं। उसका दिल अब घबराने लगा, डर से धड़कने तेज हो गई और वो उसी वक्त अपनी बेटी को ढूंढने निकली। सबसे पहले उसने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा, मैंने आपकी बेटी और उस महिला को बहुत सवेरे देखा था, उस महिला का बर्ताव आज बहुत ही अलग सा था। अब इसके बाद वो अपनी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 505 में गई। असल में यहाँ जो महिला रहती है उसकी मेड नहीं, मे को एमिली के घर पर काम पे लगाया था। मे का फोन बंद जा रहा है, इसलिए वो उस मेड का नंबर लेने आई है ताकि उसे मे की खबर ले सके। अब एमिली सोचने लगी, आखिर मैंने मे को काम पर क्यों रखा था? वो तो एक चाइनीज है जो कोरियन भाषा भी ठीक से नहीं समझ पाती। इसके पहले भी जिस नैनी को उसने काम पर रखा था वो भी चाइनीज ही थी, मगर बेहद ही कामचोर। जब मैं एमिली के घर पहले दिन काम पर आई थी उस वक्त दायून बहुत रो रही थी, मगर मे ने उसे कुछ ही मिनटों में चुप करा दिया और यही देख एमिली उसे बहुत प्रभावित होकर उसे काम पर रख लिया। इसके साथ कहानी आज में आ गई। एमिली ने उसी मेड को कॉल किया। इसके बाद उसने अपने एक्स हस्बैंड जिन को भी कॉल किया और पूछने लगी, क्या तुम्हारी माँ तो दायून को लेकर नहीं गई? ये सुन जिन ने गुस्से में फोन काट दिया। इसके बाद एमिली ने मे को एक वॉइस नोट भेजा, क्या मेरी बेटी ठीक है? अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद वो मे के अलमारी में रखी उसकी आईडी कार्ड ढूंढने लगी, पर वहाँ उसे उसके पति जिन की आईडी कार्ड मिली जो कि एक डॉक्टर है, पर उसने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो पुलिस स्टेशन आ गई गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने। एमिली ने पुलिस ऑफिसर को मे की आईडी कार्ड दी ही थी कि तभी उसे उसके वकील का कॉल आया। उसका वकील एमिली से जानना चाहता है कि कहीं उसने ही तो अपनी बेटी को नहीं छुपाया, और अगर ऐसा हुआ तो उसे अपनी बेटी की कस्टडी कभी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि वो उसे कभी देख भी नहीं सकेगी। ये सुनकर एमिली और घबरा गई और मे की आईडी कार्ड लेकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। फिर एमिली मे के उस आईडी कार्ड में दिए गए पते पर पहुंचकर उसके बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन वहां रह रही एक महिला ने उसके साथ बुरा व्यवहार करके उसे बाहर निकाल दिया। एमिली घर पर है, नींद से जाकर उसने देखा कि बाहर उसकी सास आई हुई है दायून के बारे में पूछने, वो उसे मिलना चाह रही है, मगर एमिली उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती और उनसे बिना मिले ही वो वहां से निकल गई। तभी उसी मेड का कॉल भी आ गया जिसने मे को उसके घर काम पर लगाया था। उसने बताया कि मे ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो उसे एमिली के घर काम पे लगा दे। क्या मैं एमिली को पहले से ही जानती थी, मगर कैसे? खैर, अब एमिली एक अस्पताल आई है, वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से ये जानना चाह रही है कि क्या एक छोटी सी बच्ची दायून को वहाँ लाया गया है। वो बोली, हाँ, दायून नाम की एक बच्ची को उसकी माँ यहाँ लेकर आई थी। ये सुन अब एमिली सोच में पड़ गई, मैं दायून की असली माँ हूँ तो फिर मैंने ये झूठ क्यों कहा? क्यों उसकी माँ होने का नाटक रचा? आखिर कौन है मैं?
मैं और उसके इस झूठ के पीछे के राज से जल्द ही पर्दा उठेगा। उस रिसेप्शनिस्ट ने एमिली को ये भी बताया कि वो वहाँ से पूरे एक महीने के बुखार की दवा लेकर गई है, और ऐसा वही लोग करते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए कहीं दूर जा रहे हो। आखिर मैं दायून को लेकर गई तो कहाँ गई? एमिली एक बार फिर खाली हाथ घर लौटी। थोड़ी देर बाद कोई पार्क नाम का आदमी मे का पता लगाने एमिली के घर आया है। उसे मे से कुछ पैसे मिलते हैं। एमिली बोल पड़ी, मे मेरी बेटी को लेकर कहीं भाग गई है। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे खुलकर बताओ। और खुद को रोक ना पाई, उसकी आंखें छलक उठी, एक माँ जो ठहरी। अब पार्क उसे लेकर एक मसाज पार्लर आया जहाँ मे पहले काम करती थी। वो दोनों पार्लर के मालकिन से मे के बारे में पूछते हैं। पार्लर की मालकिन बोली, मैं तो खुद उसे कब से ढूंढ रही हूँ, वो अचानक एक दिन यूं गायब हो गई और तब से उसकी कोई खबर नहीं। एमिली ने उसे अपना फोन नंबर देकर कहा, अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन फोन करना। ये बोलकर एमिली जैसे ही पार्लर से बाहर निकली, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। ध्यान से सुनो, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, उसे कुछ नहीं होगा अगर तुमने हमारी बात मानी तो। फिर उन्होंने एमिली के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी, और दूसरी कि वो पार्क को अभी ये बोले कि उसकी बेटी अस्पताल में है और उसे वहां तुरंत जाना होगा। एमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर उसे फोन पर दायून और मे दोनों की रोने की आवाजें आई। डर के मारे एमिली भी रोने लग गई। उसे लगा मे और दायून किडनैप हो गए हैं, पर क्या वाकई में वो दोनों किडनैप हुए थे या इसके पीछे भी कोई कहानी है? अब किडनैपर बोला, तुम्हारे सामने जो बूथ दिख रहा है वहां से हमें अभी $30,000 भेजो। एमिली उस बूथ पर गई और पैसे भी भेजने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है। किडनैपर उसे धमकाने डराने लगा। एमिली बोली, मेरे अकाउंट में इस वक्त सिर्फ $5,700 है, मैं इतना जल्दी पैसे का बंदोबस्त नहीं कर सकती। किडनैपर बोला, ठीक है, तुम अभी उतने ही पैसे भेजो। और एक पता भेजा। वो तुरंत एक टैक्सी लेकर उस पते के उद्देश्य से निकल पड़ी। साथ ही उसने उस पते के बारे में पुलिस को भी फोन करके बता दिया। अब वो उस पते पर पहुंचती है। उसकी नजरें चारों तरफ अपनी बेटी दायून को ढूंढ रही है, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रही। और फिर उसे एक बैग में उसकी बेटी के कुछ खिलौने दिखे। उन खिलौनों को देख उसके दिल पर क्या बीत रही है, कितना तड़प रही है वो अपनी बेटी की झलक पाने को, ये उस माँ के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। अब वो एक भी पल गवाए इस बार पुलिस स्टेशन आ गई गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने। पुलिस ने उससे कहा, दायून को गुम हुए तो 2 दिन हो चुके हैं, फिर आप आज क्यों आई है शिकायत दर्ज करवाने? उसके बाद किडनैपर के अकाउंट नंबर को जांच कर पता चला कि ये कोई किडनैपर नहीं बल्कि एक स्कैम है। लेकिन मैंने अपनी बेटी की आवाज फोन पर सुनी थी, स्कैमर्स का यही तो काम होता है, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे निकलवाना। पुलिस बोली, अगर मे और दायून किडनैप नहीं हुए तो फिर वो दोनों है कहाँ? वो पुलिस से उन दोनों का पता लगाने की दरख्वास्त करने लगी। पुलिस ने उससे मे की तस्वीर मांगी, मगर उसके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। और उसी वक्त वहाँ एमिली की सास आ गई और आते ही उसे मारने लगी, उसे दोष देने लगी, तुमने ही दायून को कहीं छुपा कर रखा है ना। पुलिस ने किसी तरह उन्हें शांत करवाया। अब देखते हैं कि एमिली का वकील उसे मिलने आया है। उसने एमिली से कहा, अगर तुमने दायून को सच में छुपाया है तो मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि कुछ दिनों में ही कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट आएगा और ये वक्त बहुत ही नाजुक है। एमिली बोली, मैंने नहीं, नैनी ने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। लेकिन वकील को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ये देख एमिली वहां से वॉशरूम जाने का बहाना देकर निकल गई। एमिली अब अपने बिल्डिंग पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगी। उस दिन सुबह 9:26 पर पूरी तरह से तैयार मे दायून को लेकर बिल्डिंग से बाहर गई थी। अब बिल्डिंग का गार्ड एक लड़के को लेकर एमिली के पास आया, और उस लड़के ने जो कहा वो सच में चौंका देने वाली बात थी। वो बोला, इस साल की शुरुआत में जब आपकी पुरानी वाली नैनी दायून को लेकर बाहर निकली थी तो एक लड़की ने उन्हें साइकिल से टक्कर मारी और दायून को भी उसके बच्चे की गाड़ी से बाहर ढकेल दिया। और दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि मे ही थी। मगर उसने ऐसा क्यों किया? इन्हीं सवालों के जवाब पाने एमिली वहां से निकल गई। तभी पुलिस भी वहां आकर जांच पड़ताल करने लगी। पुलिस ने एमिली को कॉल किया, मगर वो बोली, मुझे आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, अब मैं अपनी बेटी को खुद ही ढूंढूंगी। वो फिर से उसी मसाज पार्लर आई मे के बारे में और जानकारी हासिल करने, पर पार्लर की मालकिन का जवाब अब भी पहले जैसा ही है। फिर एमिली ने उसे कुछ पैसे देकर कहा, मे के बारे में जो कुछ भी मालूम है मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। और उसने सब कुछ खुलकर बताना शुरू किया।
मैं मेरे पास नौकरी के सिलसिले में आई थी और उसे नौकरी मिल भी गई। उसका पहला कस्टमर वही पार्क था। उन दोनों के बीच प्यार के रिश्ते भी पनपने लगे। हाँ, मगर मैंने गौर किया कि मैं का बर्ताव बहुत ही अजीब सा रहता था। कभी वो हंसने लगती तो कभी रोने। फिर उसने एमिली को मैं का कुछ सामान दिया, जिसमें से एक छोटे बच्चे की तस्वीर मिली। मालकिन से इसके बारे में पूछने पर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो बोली। फिर एमिली को फोटो के पीछे एक स्टूडियो का नंबर लिखा मिला। वो उस स्टूडियो के लिए निकल गई। वहाँ पहुँच के उसने स्टूडियो के मालिक को वो तस्वीर दिखाई। उसने उस फोटो के नेगेटिव से बच्चे की माँ की तस्वीर निकाल कर एमिली को दी और वो उस बच्चे की माँ को देख हैरान रह गई, क्योंकि वो मैं थी। अब इधर पुलिस को बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एमिली पुलिस स्टेशन जाने के पहले पार्क नाम के आदमी के साथ एक जगह गई थी। इसके बाद पुलिस भी उसी मसाज पार्लर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने जाना कि मे का असली नाम किम योन है। वो एक चाइनीज है। 4 साल पहले हान नाम के एक आदमी से उसकी शादी हुई थी। पुलिस ऑफिसर पूछताछ के जरिए और भी पता लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक कॉल आया कि एमिली मे के पुराने वाले घर के बाहर खड़ी है। फिर क्या, बिना वक्त गवाए पुलिस एमिली को पकड़ने निकल पड़ी। यहाँ एमिली मे के घर के बाहर खड़े उसका नाम पुकार रही है, जिसे सुनकर लीसुक नाम का एक आदमी वहां आया और उसने बताया मैं उसके पति हान और उसकी सास के साथ यहाँ रहा करती थी, लेकिन वो दोनों ही मिलकर मे को बहुत टॉर्चर किया करते, यहाँ तक कि उसे उसकी बच्ची जेन से भी अलग कर दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ से भाग गई। जेन बहुत बीमार रहती, उसे हेपेटाइटिस बीमारी थी। उस दिन के बाद से मे को यहाँ कभी देखा नहीं गया। फिर जेसुक की पत्नी ने उसे मे की बेटी की तस्वीर दिखाई, जो किसी अस्पताल में ली गई थी। इतने में पुलिस वहां पहुंच गई। एमिली उस तस्वीर की फोटो अपने फोन से खींचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब एमिली पुलिस स्टेशन में है, जहां बैठे वो उस तस्वीर को ध्यान से देख रही है और एकदम से उसके चेहरे का रंग बदल गया, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। वो पुलिस से उसे गंगनम हॉस्पिटल ले चलने की रिक्वेस्ट करने लगी और अपने पति जिन को कॉल करके पूछ रही है कि उसका मे के साथ क्या ताल्लुक है। याद है हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि मे की अलमारी में उसका आईडी कार्ड ढूंढते वक्त एमिली को उसके एक्स हस्बैंड जिन का आईडी कार्ड वहां दिखा था और जिन गंगनम हॉस्पिटल में ही काम करता है। एमिली को शक हुआ कि कहीं उसका एक्स हस्बैंड और मे मिले हुए तो नहीं है। अब पुलिस एमिली को लेकर गंगनम हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है मे की बेटी का लिवर चेंज करना जरूरी है, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। और उनके मन में शक उठा, मे की बेटी और एमिली की बेटी की उम्र तो लगभग बराबर है, कहीं मे ने अपनी बेटी को बचाने के लिए दायोन को तो किडनैप नहीं किया। ये सोचकर तो एमिली बेहद डर गई। अस्पताल पहुंचकर उसकी मुलाकात एक सीनियर नर्स से हुई। उसने मे के बारे में जो कुछ बताया वो सच में भावुक और चौंका देने वाली थी। 1 साल पहले मे ने अपनी बेटी को इसी अस्पताल में भर्ती किया था। पैसे ना होने की वजह से वो अस्पताल का बिल नहीं भर पा रही थी, इसी वजह से उसे अस्पताल से बार बार वार्निंग मिल रही थी। दूसरी तरफ उसका कोई कोरियन गार्जियन ना होने पर उसने पार्क से मदद मांगी। पार्क उसकी मदद करने के लिए मान भी गया था, लेकिन फिर अचानक एक दिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मे से आकर कहा, अभी तक तुमने कोई पैसे जमा नहीं किए, इसीलिए तुम्हारी बेटी को यहाँ से डिस्चार्ज करा दिया गया है। वो उनके सामने हाथ जोड़कर कितना गिड़गिड़ाई, मिन्नते की, बोली मैं आज ही पैसे जमा कर दूंगी। पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उस छोटी सी बीमार बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिया और उसी दिन एमिली की बेटी उस अस्पताल में भर्ती हुई, वो भी ठीक उसी के बेड में जिससे कुछ देर पहले मे की नन्ही सी बच्ची को निकाला गया था। मैं एक टक उस बेड और एमिली को देखती रही, क्योंकि पैसे ना होने पर उसकी बेटी को उस बेड से हटाकर जिसके पास पैसे हैं उसे वो दे दिया गया था। ये देख तो किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, यही हमारे समाज का कड़वा सच है, गरीब हर तरफ हर जगह पिसता है। फिर एमिली को उस दिन के बारे में सब याद आ गया, जिसके बाद वो पुलिस और अपनी सास समेत जहां मे रहती है उस घर की तलाशी लेने पहुंची। वहां एमिली को मे का बनाया हुआ एक रुमाल मिला, जिसमें लिखा है जेन इज इन द फ्रिज, यानी जेन फ्रिज में है। अब सबने जाकर जब फ्रिज खोला तो उनकी जान सूख आई। फ्रिज में जेन की लाश पड़ी है और कहानी अतीत में लौट गई। मे अपनी बेटी जेन के बगल में ही सो रही थी कि अचानक जेन का शरीर बहुत गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसे बचाने के लिए मे को कुछ सूझ नहीं रहा और फिर उसने उसे फ्रिज में ही सुला दिया, लेकिन वो छोटी सी बच्ची तब तक मर चुकी थी।
इधर पुलिस पार्क को भी पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई। पूछताछ पर पता चला जेन के मरने के एक साल बाद एक दिन फिर मैं मेरे पास आई और बोली, मेरे पति हान को मार दो तो मैं तुम्हें एमिली की बेटी डायोन लाकर दूंगी, जिसके जरिए तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। मैं राजी हो गया और मैंने मे के पति को मार दिया। पार्क ने पुलिस से ये भी कहा, लेकिन सौदे के मुताबिक उसने मुझे एमिली की बेटी लाकर नहीं दी, इसलिए मैं उस दिन एमिली के घर मे को ढूंढने गया था। अब पार्क की बातें सुन एमिली जोर से चिल्ला पड़ी, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं मे को अपने इन्हीं हाथों से मार डालूंगी। एक और गौर करने वाली बात पार्क ने बताई कि मे ने एक चाइल्ड पासपोर्ट भी बनवाया था अपनी बेटी को अपने देश चाइना ले जाने के लिए। ये सुन सबके दिमाग में हलचल मच गई, मे की बेटी तो मर चुकी है, कहीं वो डायोन को तो चाइना नहीं ले जा रही। वो सभी फौरन बंदरगाह की तरफ निकल पड़े। जहाज के हर एक कोने में मे और डायोन को ढूंढा जाने लगा, पर वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। तभी एमिली की नजर जहाज के डेक पर पड़ी, जहां उसने मे की गोद में अपनी बच्ची डायोन को देखा। दूसरी तरफ जैसे ही मे ने एमिली को देखा, वो डायोन को लेकर जहाज के रेलिंग में चढ़ गई। हालांकि पुलिस उसे चारों तरफ से घेर चुकी है। मे बोली, अगर किसी ने मेरी बच्ची को मुझसे लेने की कोशिश की तो मैं पानी में कूद जाऊंगी। एमिली अब तक जान चुकी है कि मे डायोन को अपनी बेटी जेन समझ रही है। फिर एमिली ने उसे वही रुमाल दिखाया जिसमें लिखा है, जेन इज इन द फ्रिज। और मे को धीरे धीरे वो सारे दर्दनाक पल याद आने लगे। उस हादसे ने मे के दिल के साथ साथ उसके दिमाग को भी इस तरह घायल किया कि वो डायोन को ही अपनी बेटी समझने लगी थी। इसलिए जब पहली बार एमिली के घर आई थी, वो जैसे अपनी बेटी को चुप कराए करती, वैसे ही उसने रोती हुई डायोन को भी चुप करवाया। वो ममता जिससे वो वंचित रही, उसे दोबारा पाना चाहती थी डायोन के रूप में। ये सब याद आने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी बेटी जेन मान रही थी, वो असल में एमिली की बेटी डायोन है। एक माँ होकर वो एक और माँ से उसके संतान का सुख कैसे छीन सकती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और पास ही खड़े एक पुलिस को एमिली की बेटी डायोन को थमाकर वो पानी में कूद गई। उसे बचाने के लिए एमिली भी पानी में कूदी। अब मे ने एमिली से अपना हाथ छुड़ाकर उस रुमाल को अपने सीने से लगाए पानी के अनंत गहराई में समाने लगी और मन ही मन बोली, जेन तुम्हारी माँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रही है, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसके बाद हम एमिली को एक अस्पताल में अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। बाहर आकर उसने अपनी बेटी डायोन को देखा, उसका नाम पुकारते हुए उसे अपने पास बुलाया। अपना नाम सुन डायोन ने आकर अपनी माँ को गले लगा लिया। इसी के साथ ये असाधारण कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तरफ जहाँ एक माँ को उसकी संतान वापस मिली, तो वही दूसरी तरफ पैसे के अभाव में एक माँ ने अपनी संतान को खो दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट पक्के से करें। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग मूवीज ट्राइब। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।